फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, जो पहले वीडियो मैंने बनाई थी मेरे चैनल पे कि बच्चे मैथ्स में क्यों फेल होते हैं, जो इंग्लिश में थी, उस वीडियो के बारे में कई लोगों ने ये कहा मुझसे कि मुझे समझ में नहीं आ रही है और आप हिंदी में बनाइए। तो आज ये वीडियो मैं हिंदी में लेकर आया हूँ। वो वीडियो एक्चुअली थी व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स, और उसी वीडियो को आज मैं हिंदी में लाया हूँ आपके सामने, ताकि हर कोई खुलकर समझ सके जिन जिनको इंग्लिश नहीं आती। बच्चे मैथ्स में फेल क्यों होते हैं? दोस्तों, अगर एक सर्वे किया जाए कि बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में कौन सा होता है, तो आपको मैथ्स शायद कम ही सुनने को मिलेगा बच्चे से कि मैथ्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। ज़्यादातर बच्चे तो लैंग्वेजेस, चाहे वो इंग्लिश कह लीजिए, चाहे वो हिंदी कह लीजिए, साइंस, बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स के नाम लेंगे, लेकिन मैथ्स के नाम बहुत ही बच्चे कम लेंगे। अगर इसके बिना भी ट्राई कर ले दोस्तों कि बच्चे को अपने मैथ्स में इंटरेस्ट दिलाएं, मगर वो दिला नहीं पाते। अब इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फॉल्ट जरूर होता है, या तो वो टीचर्स का फॉल्ट है, या तो वो पेरेंट्स का फॉल्ट है, और लास्ट एंड फाइनली वो बच्चे का फॉल्ट भी होता है कि हम जो है बच्चे को मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं मगर वो करता नहीं है और उसे इंटरेस्ट आता भी नहीं है। तो क्या वजह है कि बच्चा इंटरेस्ट लूज कर देता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में? तो चलिए वो हम एक के बाद एक नजर डालते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है मैथ्स की, ये तभी ठीक हो सकती है जब बच्चा उस चीज में कोशिश करें, उस प्रॉब्लम को तलाश करें, और इसे बच्चे के लिए ना जो है मुमकिन नहीं है। इसमें टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चे को अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाने में और उसे सॉल्व करने में। तो आइए कुछ रीजंस देखें। पहला रीजन है एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। कोई भी चीज का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है एटीट्यूड पर, कि आप किस एटीट्यूड से उस चीज को देखते हैं, किस एटीट्यूड से उसको लेते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें पढ़ेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसे अच्छे से पास करेंगे, आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे। मगर अगर आपको मैथमेटिक्स अगर पसंद नहीं है तो जाहिर बात है कि आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह कि आप उसके आंसर्स जो है वो रट कर पास कर लें। मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। शायद दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस है, सोशल स्टडीज है, इसे आप एक दिन पहले एग्जाम से रट कर पास कर ले सकते हैं, मगर मैथ्स के साथ ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसको शुरू से प्रैक्टिस होने की जरूरत होती है। अब नॉर्मल सी बात है कि प्रैक्टिस हमारे बच्चे नहीं करते हैं। पहले तो इतने वो लोग जो है काहिल है कि बच्चों से पढ़ाई होती नहीं। दूसरी चीज ये है कि मैथ्स से पता नहीं किस बात का बच्चों को डर हो जाता है, वो डर पैदा कर लेते हैं दिल में, और उसकी वजह से ही बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं। तो बच्चे जब डर पैदा कर लेंगे तो सब्जेक्ट से इंटरेस्ट चले जाएगा और वो कभी भी उस पीरियड में जो है बैठना पसंद नहीं करेंगे क्लास में, और वो धीरे धीरे जो है उनका उस सब्जेक्ट में लॉस होते रहता है। और दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे परफॉर्म करते हैं, साइंस, सोशल, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब में उनको अच्छे मार्क्स आते हैं, मगर मैथमेटिक्स की बात आती है तो पूरा आपको ग्राफ नीचे नजर आता है उनके रिपोर्ट कार्ड का। तो ये प्रॉब्लम हर किसी की है दोस्तों, और इस पर ज़्यादा खुल के कोई डिस्कस करता भी नहीं है। तो उसी कारण से मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ कि बच्चे मैथ्स में क्यों फेल होते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। ये रीजंस को पहले हम आइडेंटिफाई कर लें। एक बार ये रीजंस आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद हम ऑटोमेटिकली जो है उसके जो सॉल्यूशंस है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा रीजन है कि टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। मैथ्स इतना भी आसान नहीं है कि वो एक बार रटने से या एक बार में आप जो है प्रॉब्लम जब समझाते हैं एक्सप्लेनेशन वो एक बार देखने से आ जाए। मैथ्स इतना भी आसान नहीं है कि वो आसानी से एक ही बार में समझ में आ जाए, उसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर टीचर का सिलेक्टेड स्टाइल बच्चों को समझ में आना चाहिए। टीचर का अपना खुद का एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, वो किस प्रॉब्लम को किस अंदाज में बच्चों के लेवल पर जाके समझाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर को प्रॉब्लम समझ में आता है ये बात ठीक है, लेकिन टीचर का जो मेथड है वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, तभी बच्चे जाके एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। तो एक मेथड अच्छा हो टीचर का वो बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को टीचिंग मेथड समझ में आ जाए, टीचर का सिलेक्टेड मेथड समझ में आ जाए, तो बच्चे टीचर के बगैर भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। तो टीचिंग मेथड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी के पास वो टीचिंग मेथड, वो स्टाइल, वो कैरिश्मा होता नहीं है कि वो बच्चों को प्रॉब्लम समझा सके। इसके लिए ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन
कई सारे टीचर्स जो है बगैर ट्रेनिंग के ही आ जाते हैं, उनको ठीक से पता भी नहीं है कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं। कई बार ये होता है कि हम एडवांस्ड मैथमेटिक्स कराने जाते हैं और वहां पर बच्चों को बेसिक्स भी नहीं पता, मिसाल के तौर पर अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये सब बच्चों को पता ही नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि वो लोग टेबल्स भी जो है याद नहीं कर पाते। मैं भी खुद एक मैथ्स का एक टीचर हूँ तो एक बात कह सकता हूँ कि बच्चों को टेबल्स भी नहीं आते, यानी कि बच्चे को अगर पूछो मैं 0 / 1 क्या होता है तो आंसर नहीं दे पा रहा है। मतलब सिंपल चीज, एक बच्चा डिवीजन के या कोई भी हो वो आंसर नहीं कर पा रहा है और वो है 10th क्लास में, वो है 12th क्लास में, तो ऐसी क्या फायदा। तो इसमें टीचिंग मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट, ये है एक तीसरा रीजन। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस वजह से बच्चे बहुत खराब परफॉर्मेंस अपने मैथमेटिक्स में देते हैं। जब सब्जेक्ट और स्टूडेंट में कनेक्शन ही नहीं होगा तो बच्चे कैसा पढ़ेंगे, और जाहिर है कि बच्चे डर जाएंगे। तो सब्जेक्ट में कनेक्शन पैदा करना और ये टीचर्स का काम होता है। टीचर सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट दिलाते हैं। मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स के साथ मैं देखता हूँ बस जो सीनियर टीचर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो खेलते हैं, वो गेम्स खिलाते हैं। बच्चे हमारे कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, तो क्यों ना ऐसे गेम्स खिलाया जाए इनको जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में भी गेम्स बहुत सारे मैथ्स के अवेलेबल है, पजल्स अवेलेबल है, रिडल्स अवेलेबल है, जहाँ पर आप जाके खेल सकते हैं। और एक अच्छा उसमें फायदा ये है कि आपका दिमाग तेज होता है, बशमूल कि आप कार रेसिंग के या बाइक रेसिंग के और वो बहुत सारे बेकार के गेम्स जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है वो खेलने के बजाय अगर बच्चे ये गेम खेले मैथ्स के तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, दिमाग काफी तेज होता है उसमें। तो बच्चे डरते हैं, इस वजह से बच्चे सब्जेक्ट अवॉइड करते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब बच्चे डर जाएंगे तो वो अवॉइड करने लगेंगे, और अवॉइड करेंगे तो बच्चे मैथ्स में फेल हो जाएंगे। फिर वही इंडियन पेरेंट्स का एक स्टाइल आ जाता है, वो क्या करते हैं ना, बच्चे फेल हो जाते हैं उनको डराते हैं। अच्छा से याद है जब कभी भी रिजल्ट का दिन होता था तो डर होता था कि आज पता नहीं मैथ्स में क्या मार्क्स आएंगे और मैथ्स की वजह से हमको घर में कितनी मार पड़ने वाली है, तो ये एक्चुअली होता था। ये तो ये डर आज भी कायम है, और ये जो मेथोडोलॉजी है, जो ये माइंडसेट है पेरेंट्स का और टीचर्स का, वो आज भी चेंज नहीं हुआ है। सबसे खतरनाक जो होता है स्कूल में या कॉलेज में भी ले लीजिए आप, वो मैथ्स का ही टीचर होता है। मैंने देखा है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स भी मैथ्स के सर से वो पनिशमेंट ले रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। चलिए इंटरमीडिएट छोड़ दीजिए, मैं खुद जो है मेरे क्लास के जब डिग्री में था तो डिग्री फर्स्ट ईयर में हमारे एक मैथ्स के सर थे, वो बच्चों को क्लास में पनिशमेंट दे रहे थे क्योंकि वो लोग बोर्ड पर बुला के सम्स कराने पर नहीं कर रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि किस तरह से जो है ये टीचर्स का और पेरेंट्स का एक तरह से जुल्म बच्चों पर होता है। तो आइए देखते हैं चौथा रीजन क्या है, प्रेशर फ्रॉम स्कूल। मेरी बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ज्यादातर ये देखा गया है कि स्कूल की तरफ से प्रेशर होता है जिससे बच्चे जो है अक्सर अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। मानो एक टॉपर स्टूडेंट है तो उस पर तो ज्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स का भी और साथ में टीचर्स का भी। कुछ वजह से अगर वो 2-3 मार्क्स से अगर पीछे हो जाए, सिर्फ 2-3 मार्क्स से, ज्यादा फर्क नहीं है, अगर वो पीछे हो जाए तो उसकी नाक में दम कर देते हैं। ये हुआ है और ये होता भी है आज भी। तो वो प्रेशर के आगे कुछ सोच नहीं पाते, और वो प्रेशर जितना ज्यादा होता है आप कह सकते हैं मेंटली टॉर्चर है वो। बच्चे की जितनी कैपेसिटी है बच्चा उतना ही परफॉर्म करेगा, उसकी ज्यादा परफॉर्म करने के लिए उसे कहेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, वो अच्छी बात भी नहीं है। हर बच्चे की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है और वो कैपेसिटी के हिसाब से ही वो परफॉर्म करता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और इस चीज को हमें बदलना है। तो अगले वीडियो में आपके सामने मैं कुछ सोल्यूशंस लाऊंगा मैथ्स में जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, कि बच्चों को वो हेल्पफुल होगा और बच्चे इससे बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं और अपने आप के जो मैथ्स में जो वीकनेस है वो गेन कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को जो है वो लोग एनहेंस कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए सामने एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट्स के जरिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।